तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है नेक वार्मर के साथ जो है डॉडी कैप भी बना लेते हैं। तो ये जो मैंने जो है यहाँ पर 3 से 4 ईयर के बेबी के लिए बनाई हुई है। बेबी अभी मेरे पास है नहीं है, तो मैंने डॉल को बना दिया। तो प्लीज़ आपने आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन के बेल को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। आई होप आज की वीडियो आप पसंद आएगी। थैंक यू। ब्यूटीफुल पैटर्न बनाने के लिए मैंने राइट एंड लेफ्ट मैंने 40 फंदे ले लिए हैं। ठीक है, ये आपको मैं मीडियम साइज़ का बता रही हूँ। बिग साइज़ बनाने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने 2-1 का ग्राफ लिया हुआ है, यानी 2 में मेरे फंदे चढ़े हुए हैं, 1 नीडल मेरी खाली है। आप 1x1 का ग्राफ भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बना लीजिए सिंपल नीटिंग मशीन ब्यूटीफुल पैटर्न को। आपने जाली का देना हो जाली का दीजिए, आपने प्लान का देना है प्लान का दीजिए। मैं आपको सिंपल सा बॉर्डर बनाने को बोल रही हूँ। उसमें ये सारे मैंने लास्ट तक इस तरह से करते हुए जाना है। आप यहाँ पर जो है जाली का पैटर्न भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से राइट एंड लेफ्ट करते हुए अब डिब्बी आपने बंद करनी है। पर रो आपने अपनी इच्छा अनुसार लगानी है। ठीक है, आपको कितने इंच का चाहिए, आपको ये 3, 2, 4 ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हमारा जो है नीचे वाला जो पोर्शन बन रहा है ये नेक का बन रहा है, नेक वार्मर बन रहा है ना ये विथ कैप के साथ। तो इसमें मैं आपको अगेन क्लियर कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है। आप 50-60 जितनी रो लेना चाहते हो ले सकते हो। और जो मैंने यहाँ पर 2-2 का ग्राफ किया, आप 1-1 का ग्राफ करके भी नीडल्स आगे की ओर कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं इसको जो है फोल्ड करने जा रही हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है इसमें। मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे यहाँ पर डिवीज़न 2 पार्ट्स में मैंने कर लिया है। और साथ में बताती हूँ, यहाँ राइट और लेफ्ट से मैंने जो 5-5 फंदों को लेस कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर ये जो अनदर कलर में देख रहे हैं ना, इन्हें मैंने जो है डिस्ट्रॉय कर लेना है। यहाँ पर इसे मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये वाला पोर्शन मेरा जो है बाद में बनेगा, है ना। तो पहले मैं इसे उतार देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है इसमें। और मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने राइट एंड लेफ्ट से यहाँ पर लेस किया हुआ है। और मैंने यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर एक फंदा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर फंदे बढ़ते रहेंगे और हेड के अकॉर्डिंग ही आपने इसमें फंदे लेने हैं। ठीक है, इस तरह से हर रो में एक एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरह से, ठीक है। तो दूसरी वाली साइड भी आपकी इसी तरह से होगी। जब मेरे यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा मैं निकाल दूँगी, फिर देन ये वाले भी, अब ये वाला इधर को जा रहा है, ये वाला इधर को की द्वारा से ये वाला इस साइड में बढ़ेगा, ये वाला इस साइड में बढ़ेगा। ठीक है, इक्वल्स में आने चाहिए हमारे। तो चलिए मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने निकाल दिया है, जब यहाँ पर मेरे इक्वल्स फंदे यहाँ पर मेरे आ जाएंगे, तब देन मैं इनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। फ़िलहाल तो आपको मैंने ऐसा पैटर्न कई बार शेयर किया हुआ है। ठीक है, एक एक यहाँ से चलते हुए जाना है। कर लेती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखिए मेरा धागा जो है बारीक है, तो मेरे 60-60 आ गए हैं। ठीक है, यदि बेबी वाला कोई भी धागा होता है तो आपके यहाँ पर 50 तक आएंगे। ठीक है,
तो अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सेंटर में क्या करना। सेंटर में कुछ फंदों को हमने देखिए इसके सेंटर में रोक लेना है, ठीक है, ये वाला, और बाकी जितने भी वो हमारे बाहर आ जाएंगे। तो बाकी बाहर के लिए मैं देखिए इस तरह से राइट एंड लेफ्ट से करते हुए जाऊँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ला सकते हो, तो यहाँ पर मैं क्लियर करती हूँ 50 50 50 राइट देन लेफ्ट और बीच में 20। तो आ जाइए कैरिज की ओर। कैरिज में मैंने धागा लगा दिया है, सिंपल वाली नोक को पीछे करेगी, कार्ड वाला इसको करेगी। तो चलिए अब हमने करना क्या है, पहले तो हमने फर्स्ट रो ऐसे ही लेनी है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेनी है। उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 इस तरह से करते हुए जाइए। पूरे फिनिश करने हैं आपने ये जाए। तो मैंने यहाँ पर ये नीडिंग मशीन में ही से जो है स्टिच कर रही हूँ, दोनों को इक्वल्स में मैंने डिवीजन कर दिया था, देन एक के ऊपर एक ट्रांसफ़र करने से जो है ये पूरा लेस हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ बॉर्डर बनाना है, ठीक है, और फंदे उठाने जो लेस किए, जो राइट से भी लेस किए थे और लेफ्ट से भी, ठीक है, तो बॉर्डर अपनी इच्छा अनुसार बना दीजिए। और ये आ रहा है हमारा फ्रंट वाला बॉर्डर, और इस बॉर्डर के लिए मैंने राइट एंड लेफ्ट से 45 45 यानी कि 90 फंदे हो गए हैं। इच्छा अनुसार आपने बॉर्डर लेना है, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ये बॉर्डर बनाने के बाद फोल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है।